ओबीसी समन्वय समिति की डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे ने किसान बिल के संदर्भ में सीटीवी से बातचीत की। कृषि बिल के विरोध में इस समय किसानों द्वारा हर तरफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी के तहत 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसे अनेक लोगों ने अपना समर्थन दिया है। वहीं इस मौके पर सीटीवी न्यूज की विशेष प्रतिनिधि माधुरी कटगोजवार ने ओबीसी समन्वय समिति की नेता डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे से बातचीत की तथा उनकी प्रतिक्रिया जानी। तो सुनिए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, सीटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो 3 कानून लागू किए हैं, उसी कानून के खिलाफ देश भर में किसानों ने आंदोलन छेड़ा है। उसी अंतर्गत 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान हुआ है और इसी भारत बंद आंदोलन को कांग्रेस, एनसीपी तथा अन्य संगठनों ने समर्थन किया है। तो ओबीसी समन्वय समिति के नेता के रूप में डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे, इनका समर्थन किस प्रकार का होगा, आइए जान लेते हैं। जो देश भर में किसानों का जो आंदोलन शुरू है, वह दिल्ली से लेकर तो पूरे देश में फैल चुका है और अभी हर राज्य में, हर गांव में, हर जगह पर इस आंदोलन की आग फैल चुकी है। और मैं खुद किसान की बेटी हूँ, मेरे घर के 70% लोग अभी भी किसानी करते हैं और आज तक किसान, जब यह कानून नहीं था तो बहुत सुखी नहीं था। एमएसपी सरकार दे रही थी पर वो बहुत ही कमजोर एमएसपी देती ही थी और इसका हम नतीजा देखते हैं कि लाखों लोगों ने, आज तक किसानों ने आत्महत्या की है और परेशान, निराश है। बहुत कुछ कमाने वाला, बहुत अमीर या इस देश का किसान नहीं है, खुद का पेट जैसे तैसे भर लेता है, खुद का घर जैसे तैसे संभाल लेता है, उस तरीके का किसान है। और वो जो कायदे थे वो भी बहुत हित के थे, कांग्रेस ने बनाए 70 साल में, यह बात नहीं थी। पर अभी जो नया कानून है, किसी किसान ने रास्ते पे जाके आंदोलन नहीं किया कि हमें ये कानून चाहिए, किसी ने मोर्चा नहीं निकाला। उसके बावजूद भी सरकार ने, एनडीए सरकार ने ये बिल लाया, न्यू एग्रीकल्चर बिल लाया, बिना संसद में इसकी चर्चा हुए, बहुत ही आनंद फानंद में यह बिल पास कराया उन्होंने। और अभी 10-10 घंटे की मीटिंग किसानों के साथ ले रहे हैं, तब उन्होंने 10 घंटे भी नहीं दिए उस बिल पर चर्चा करने के लिए। और अभी लगातार 8 दिनों से इनकी मीटिंगें शुरू है अलग अलग दिन में। और ये जो कानून है, इसमें जो 3 बिल में जो कानून है कि किसानों को अपना माल कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, ये तो पहले भी था। पर हमारा किसान कितना अमीर है, क्या वह गाँव से सिर्फ तहसील तक आ सकता है अपना माल बेचने के लिए? वह काफी बार जिले तक भी नहीं जाता, दूसरे राज्यों की बात भी छोड़ो, क्या ये न्यूयॉर्क और लंदन में जाकर अपना माल बेचने वाला है? और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वह तो पहले भी था माल बेचने का प्रोविजन, और पर इन्होंने सब्जी, इन्होंने जो मंडियां हैं, जो बाजार समिति है, उसको ही नष्ट करने का कानून लाया है। कि सिर्फ कहते हैं कि बिचौलिए नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, अड़तिए नहीं होंगे, पर अगर बाजार समिति नहीं होगी तो किसानों का फसलों का मूल्य तय करने वाली एक जो सिस्टम थी, जो एमएसपी तय करती थी और उसके ऊपर फिर किसान देखता था कि उसको कहाँ मिले भाव, उस हिसाब से जो थी मंडियाँ, वही नष्ट हो जाएंगी। और अगर जब सरकारी मंडियाँ थी तो किसान का अगर माल या धान अगर बहुत सड़ भी जाता है तो ठीक है, उसको खरीद लेते थे एमएसपी पर किसान अपनी उस गरीबी से बच जाता था माल ना लेने के इससे। पर अभी तो ये भी नहीं रहेगा और एमएसपी का तो उन्होंने उल्लेख भी नहीं किया है। वो कहते हैं, एनडीए सरकार कहती है कि हम एमएसपी देंगे, हम एमएसपी देंगे, पर वह नोट नहीं करती है या उसे मेंशन नहीं करती है, लिखती नहीं है कानून में। और जो बात है कि अगर गवर्नमेंट खरीदने की एजेंसी नहीं रहेगी तो जो बहुत बड़ी समस्या रैशनिंग की होने वाली है, कि रैशनिंग की जो सिस्टम है, फूड और फूड की सिक्योरिटी की जो बात है, वही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसमें, इस बिल से सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं होने वाला है, तो बहुत बड़ा जो हमारा वर्ग है देश में, जो रैशनिंग पर निर्भर करता है, जो रैशनिंग पे अपना पेट पालता है, वह सभी भूखे मरने वाले हैं। तो मेरी अपील है कि सिर्फ किसान ना इस आंदोलन को समर्थन करे, पर बाकी सारे लोग आए। अगर आपको भूख से मरने से बचना है तो आप सारे लोग आए। और तीसरी बात उन्होंने की है
कि कॉरपोरेट खेती कराने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट, यह किसानों को भूमि, जिनके पास जमीन है वो किसानों को भूमिहीन बनाने का षड्यंत्र है और इससे कॉरपोरेट लोगों के हाथ में, कॉरपोरेट लोगों के मुंह में ये सरकार अपने किसानों को देना चाहती है और पूरी तरह से मारना चाहती है। और कोई संगठन नहीं रहेगा अगर, जब कॉरपोरेट या कमर्शलाइज खेती होती है तो कोई किसानों का संगठन नहीं रहेगा, जो आज आंदोलन कर रहा है वो भी नहीं रह बचेगा। और कोई न्याय देने की व्यवस्था नहीं है इस बिल में। अगर आपको न्याय चाहिए तो आप कलेक्टर के पास जाओ या एसडीएम के पास जाओ। एसडीएम और कलेक्टर पास किसकी चलती है आज? क्या किसानों की चलती है? यहाँ कॉरपोरेट लोगों की चलती है, यहाँ एक खास वर्ग की चलती है जो सीधे दरवाजा खोल के एसडीएम के ऑफिस में घुस जाते हैं और किसान हमारे 10-10 घंटे तक बाहर वेट करते हैं। और यह सब चीजें हैं वो किसानों को मारने वाली चीजें हैं। आज तक किसान कैसे तैसे जिंदा था, पर उसको पूरी तरह से मारकर और इनके मालों को स्टॉक करने के लिए किसानों के पास कोई गोडाउन नहीं रहने वाले, कर नहीं सकता। यह सब यह स्टॉक या जो मालों को संग्रहित करने का जो यह है, ये कॉर्पोरेट लोगों के पास है, वो करेंगे, वो फसलों का भाव बढ़ाएंगे, वो लोगों को भी तकलीफ में लाएंगे और किसानों को भी तकलीफ में लाएंगे। और इसलिए मैं पूरी तरह से इस बिल के अगेंस्ट हूँ, मैं पूरी तरह से इसके विरोध में हूँ। और कल जो 8 दिसंबर को जो देशव्यापी बंद होने वाला है, उस बंद का समर्थन करती हूँ और सारे लोगों से अपील करती हूँ कि वो भी अपने, अगर आप अनाज खाके ज्यादा जीते हो और आप अगर किसी भी तरह से किसान के कर्ज के तले दबे हो या किसान आपको जो आपके थाली में रोटी परोसता है उसका थोड़ा सा भी आप उसको एहसान मानते हो तो किसानों के साथ खड़े हो, इस आंदोलन में आप खड़े हो। तो ये थे ओबीसी समन्वय समिति के नेता डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे मैडम, जिन्होंने 8 दिसंबर को होने वाले आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। मैं माधुरी कटकोदर, सीटीवी न्यूज चंद्रपुर।